बता दें, कासगंज सोरो रोड पर मामू गांव के समीप एक टेम्पो ने कांवड़ लेने जा रहे बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो भी अनियंत्रित होकर मौके पर ही पलट गया। और इस हादसे में टेम्पो में सवार सात लोग, बाइक सवार तीन लोग सहित सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें, विशाल, शिवम, प्रियांशु तीनों लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर एटा के काशीराम कॉलोनी से सोरो स्थित लहरा घाट पर कांवड़ भरने जा रहे थे। तभी मामू गांव के निकट मीनाक्षी गेस्ट हाउस के पास सोरों की तरफ से आते नियंत्रित टेम्पो चालक ने कांवड़ भरने जा रहे मोटरसाइकिल सवार को सामने से टक्कर मार दी। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु, ये घटना हुई थी, क्या मामला था पूरा? हम लोग कांवड़ लेने आए थे बाइक से, तो सामने ऑटो था, उसे हॉर्न दिया, उसने एकदम पूरी रोड पर ले जा रहा थी, सो उसे बचाने के चक्कर में साइड से लग गई, उसने ऑटो वाले साइड से मार दिया। हमें कितने लोग घायल हुए हैं? हम तीन लोग थे, तो मैं सही हूँ, दो लोग घायल हैं। और टेम्पो में भी? टेम्पो में पता नहीं कितने लोग थे। क्या हुआ फिर, इलाज कहाँ चल रहा आप लोग? अभी उन्हें एक को आगरा भर्ती कर दिया है। रेफर कर दिया? कहाँ से कांवड़ भरने आए थे आप लोग? एटा से। किस जगह के? काश्यामा। मोटरसाइकिल कितने लोग थे आप? मोटरसाइकिल तीन लोग थे हम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर बी बहादुर। बी बहादुर जी, अभी ये एक्सीडेंट का मामला बताया था, क्या पूरा मामला? ये लगभग 4 बजे 4-5 पेशेंट आए हुए थे, जो कि टेम्पो और बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, जो कि घटनास्थल मामू पर थी, जिसमें दो की हालत गंभीर थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया है। कौन लोग थे ये कांवड़ लेने? इनमें से ये दो लोग बता रहे थे कि ये कांवड़ के लिए जा रहे थे। किस किस में भिड़ंत हुई थी? ये टेम्पू और बाइक में बता रहे थे कि भिड़ंत हुई है मामू के पास। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।